नमस्कार न्यूज क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर देश भर में कोरोना संक्रमण के 4,213 नए मामले संतानबे लोगों की मौत पेट्रोल डीजल में टैक्स वसूली कोरोना संकट का फायदा उठाकर गलत नीतियां थोप रही है सरकारें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते चौबीस घंटों में यानी कल दस मई सुबह आठ बजे से लेकर आज ग्यारह मई सुबह आठ बजे तक अब तक के सबसे ज्यादा यानी चार नए मामले सामने आए हैं संतानबे लोगों की मौत भी हुई है साथ ही इस दौरान कोरोना से पीड़ित एक मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सड़सठ हो गई है जिसमें से अभी तक इकतीस दशमलव एक पांच फीसदी यानी बीस हजार नौ सौ सत्रह मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण दो हजार दो सौ छह मरीजों की मौत भी हो चुकी है देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर चौवालीस हो गई है आई द्वारा आज सुबह 11 मई सुबह नौ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल सोलह लाख तिहत्तर हजार छह सौ अठासी सैंपल की जांच की गई है जिसमें चौसठ हजार छह सौ इक्यावन सैंपल की जांच बीते चौबीस घंटों में हुई है देश भर में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले सात राज्यों से सामने आए हैं जिसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है चौबीस घंटों में महाराष्ट्र से एक नए मामले सामने आए हैं तमिलनाडु से छः मामले सामने आए हैं गुजरात से तीन दिल्ली से तीन पश्चिम बंगाल से एक राजस्थान से एक और बिहार से 105 नया मामला सामने आया है साथ ही उत्तर प्रदेश से चौरानबे उड़ीसा से तिरासी पंजाब से इकसठ कर्नाटक से चौवन आंध्र प्रदेश से 50 तेलंगाना से 33 हरियाणा से 28 जम्मू कश्मीर से 25 त्रिपुरा से 16 केरल से 7 हिमाचल प्रदेश से 5 और एक एक नया मामला झारखंड और उत्तराखंड से सामने आया है देश भर के तेरह राज्यों में से कोई नया मामला सामने नहीं आया है जिसमें मध्य प्रदेश चंडीगढ़ असम छत्तीसगढ़ लद्दाख निकोबार द्वीप समूह मेघालय पुडुचेरी गोवा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश दादर और नगर हवेली और मिजोरम शामिल है कोरोना के कारण दुनिया भर में तेल के दाम घट रहे हैं पर भारत में नहीं यहाँ आम आदमी को राहत के बजाय सरकार ज्यादा दाम वसूल रही है दाम घटते तो जनता को राहत मिलती पर सरकार शायद यह नहीं चाहती आइए सुनते हैं क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकार और इंदो चक्रवर्ती का इस मुद्दे पर आप जानते होंगे कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते क्या हुआ है कच्चे तेल का दाम बहुत बुरी तरह से गिर गया है और कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस में होता है जी हाँ पेट्रोल डीजल पर और इससे क्या हुआ है दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत गिर गए हैं उपभोक्ताओं को फ़ायदा हो रहा है हाँ खैर लॉकडाउन में कितना फायदा हो रहा है पता नहीं लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज यानी कि आवश्यक काम करते हैं। उनको फायदा हो रहा है जो कृषि में काम करते हैं डीजल का इस्तेमाल वहां पे होता है उनको फायदा हो रहा है सिर्फ एक देश छोड़कर और वो है भारत क्यों भारत में हमें बिल्कुल भी कोई राहत नहीं मिला है पेट्रोल और डीजल के दाम पर ऐसा क्यों हो रहा है इसी का पोल खोलेंगे आज और इसी का हिसाब लगाएंगे आज के एपिसोड में तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि पेट्रोल के दाम तय कैसे किए जाते हैं देखिए कच्चा तेल तो सीधा आप गाड़ी में नहीं डाल सकते आपकी गाड़ी नहीं चलेगी ख़राब हो जाएगी तो पेट्रोल पहले रिफाइनरी में तैयार किया जाता है कच्चा तेल निर्यात होता है इंपोर्ट होता है रिफाइनरी में जाता है तो पेट्रोल डीजल एल पी इत्यादि में उसको बदला जाता है और फिर डीलर को बेचा जाता है अब आप सोचेंगे कि देखिए जितनी लागत आती होगी पेट्रोल बनाने का उस पर थोड़ा सा मुनाफे का मार्जिन डालकर डीलर को दिया जाता होगा जी नहीं ऐसे नहीं तय होता है पेट्रोल का दाम एक तरीके से सरकार तय करती है एक ट्रेड पैरिटी प्राइस सारे जितने रिफाइनिंग कंपनी है तेल कंपनी है उनको मिलता है यानी जो बाहर से अगर सीधा पेट्रोल इंपोर्ट किया जाता 80 प्रतिशत पेट्रोल का दाम भारत में उसी बेसिस पर तय किया जाता है उसी रेट पर तय किया जाता है और सिर्फ इंपोर्ट का नहीं उस पर लगाया जाता है काल्पनिक कि कितना खर्चा होता जहाज़ में लाने का इंश्योरेंस का कितना खर्चा होता फिर उसको रिफाइनरी तक या डीलर तक लाने का जो फ्रेट का रेट होता है ये सब और एक कस्टम्स ड्यूटी डाला जाता है ये सब काल्पनिक दाम लगा कर पेट्रोल का दाम तय होता है तेल के कंपनियों के लिए तो आप सोच लीजिए हम जानते हैं कि भारत में खर्चा कम है मजदूरी कम दिया जाता है चीजों के जो खरीदे जाते हैं उनके भी दाम कम हैं तो शुरू में ही 10-20 प्रतिशत लागत ज्यादा दिया जाता है यानी कि मुनाफा ज्यादा मिलता है तेल कंपनियों को यह डीलर तक पहुंचने से पहले की बात कर रहा हूं अब आप सोचिए डीलर तक पहुंचता है डीलर अपना यानी कि पेट्रोल पंप का मालिक अपना एक उस पर कमीशन डालता है डालना पड़ेगा उनका भी खर्चा है और उसके ऊपर टैक्स बैठता है अब आ, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर अभी तक जीएसटी लगाया नहीं गया है तो दो तरीके के टैक्स बैठते हैं इस पर एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र सरकार डालती है और वैट जो कि हर एक राज्य में अलग अलग होता है जिसके चलते कभी दिल्ली में अलग है मुंबई में अलग है कलकत्ता में अलग है पेट्रोल का रेट हर जगह पे थोड़ा सा पेट्रोल का रेट अलग होता है क्योंकि वैट अलग होता है उस पर हर राज्य का अब आप सोचिए कि जीएसटी का हाइएस्ट रेट क्या है अट्ठाईस प्रतिशत हाँ। थोड़ा बहुत एक्साइज एक्स्ट्रा सेस वगैरह डाला जाता है सिगरेट वगैरह पे लेकिन स्लैब सबसे ऊंचा है 28 प्रतिशत अब अगर 28 प्रतिशत रेट से टैक्स जीएसटी पेट्रोल डीजल पर डाला जाए तो क्या दाम होगा आज के डेट पर पेट्रोल का रिफाइनरी गेट प्राइस यानी कि रिफाइनरी से डीलर तक पहुंचने वाला जो दाम है वो दाम लगभग अट्ठारह रुपए डीलर कितना लेता है डीलर लेता है लगभग साढ़े तीन रुपए तो अगर कोई भी टैक्स ना होता कोई भी टैक्स ना होता तो हम लोगों को पेट्रोल इस वक्त साढ़े इक्कीस रुपये में मिलता प्रति लीटर लेकिन हाँ टैक्स तो बैठना चाहिए और अगर हम सोच लेंगे अट्ठाईस प्रतिशत टैक्स जीएसटी का लग जाए तो कितना देना पड़ता हम लोगों को साढ़े सत्ताईस रुपये फिर से बता रहा हूँ मैं साढ़े सत्ताईस रुपये के आसपास देना पड़ता हम लोगों को एक लीटर पेट्रोल अगर अट्ठाईस प्रतिशत सरकार लेती तो लेकिन हम दे कितना रहें एक बार देख लेते हैं ये छे मई का डेटा है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तो छ मई का डेटा हमें कहता है कि हम लगभग इकहत्तर रुपए दे रहे हैं दिल्ली में इकहत्तर रुपए से थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं प्रति लीटर पेट्रोल पर यानी उस पर टैक्स कितना है लगभग पचास रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर लगभग पचास रुपए टैक्स हमसे वसूल रही है एक लीटर पेट्रोल पर इस वक्त यानी टैक्स का रेट हुआ एक प्रतिशत जीएसटी के हाईएस्ट रेट का गुना रेट लगाया जा रहा है आप 40 प्रतिशत लगा लेते टैक्स तो भी आज हम 30 बत्तीस रुपए देते एक लीटर पेट्रोल पर उसके जगह आज भी हम इकहत्तर रुपए दे रहे हैं दिल्ली में क्यों क्योंकि सरकार एक प्रतिशत टैक्स उस पर बिठाकर ले रही है अब डीजल का देख लेते हैं रिफाइनरी डीलर से लेता है लगभग उन्नीस रुपए प्रति लीटर इसमें रिफाइनरी का खर्चा है और साथ में थोड़ा सा फ्रेट है डीलर तक डीजल पहुंचाने का इस पर टैक्स कितना है अड़तालीस रुपए टैक्स है अड़तालीस रुपए टैक्स जहां पर डीलर को मिल रहा है सिर्फ उन्नीस रुपए प्रति लीटर डीजल यानी कि टैक्स का रेट हुआ 156 प्रतिशत एक प्रतिशत है डीजल पर टैक्स का रेट और 175 प्रतिशत है पेट्रोल पर टैक्स का रेट दोनों पर अगर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता तो हमको 27, 28 रुपए में डीजल और पेट्रोल मिलता है इस वक्त याद रखिए इस वक्त डीजल और पेट्रोल हम और आप नहीं यूज कर रहे हैं हो सकता है आपको ये आवश्यक जिसको एसेंशियल सर्विस कहते हैं उस काम करते हैं तो जरूर आपका भी खर्चा हो रहा होगा सारा खर्चा एसेंशियल सर्विसेज़ में जा रहा है या कृषि में जा रहा है पेट्रोल का जो खर्चा है वो डॉक्टर नर्स या बाकी जो डिलीवरी करते हैं सब्जी वाले ट्रक से जो सामान आता है उसमें डीजल का खर्चा है कृषि में डीजल का खर्चा है किसान अगर मंडी तक अपना सामान पहुंचा रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं या कहीं कहीं पे पंप चला रहे हैं तो डीजल का खर्चा उनके लिए है इस वक्त जब किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है अपने फसल के लिए सरकार को क्या करना चाहिए था अगर दुनिया भर में डीजल का दाम घट रहा है तो आम नागरिक तक भी वही पहुंचना चाहिए था किसान तक भी वही पहुंचना चाहिए था पेट्रोल का दाम भी वैसा ही होना चाहिए था आवश्यक कामों के लिए जो खर्चा हो रहा है उस पर लेकिन उसके जगह सरकार क्या कर रही है अपनी टैक्स की वसूली बढ़ा रही है आप कह सकते हैं कि भैया लॉकडाउन से पहले भी तो इतना ही था पेट्रोल के दुनिया भर में दाम गिरने से पहले भी तो हम इतना ही देते थे तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है सरकार थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा वसूल रही है तो हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है सरकार ले ले तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको देखिए याद रखिए ये ऐसा वक्त है जब पूरी इकॉनमी ठप पड़ी हुई है ऐसा वक्त है जहाँ पर बहुत सारे छोटे कारखाने बंद है बहुत सारे छोटे बिजनेस जितने हैं उनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन उनकी कोई भी आमदनी नहीं है बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है काम चला गया है बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों के नौकरी गई है उनका सैलरी कट हुआ है या उनको ज़बरदस्ती अनपेड लीव पर भेजा गया है ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते तो सबको राहत मिलती हाँ ये ज़रूर है कि सरकार का खर्चा बढ़ेगा ये कोरोना वायरस से जूझने के लिए सरकार का खर्चा बढ़ेगा इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार का खर्चा बढ़ेगा और इसलिए आप कह सकते हैं कि टैक्स भी ज्यादा वसूलना पड़ेगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी पेट्रोल डीजल पर आराम से आम नागरिक को राहत मिल सकती थी सरकार राजकोषीय घाटा जो है उसको बढ़ा सकती थी जैसे कि दुनिया भर के सरकार कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ मोदी सरकार नहीं कर रही है तो एक चीज आप याद कीजिएगा कि कॉरपोरेट का जब टैक्स काटना होता है तो तुरंत मोदी सरकार सामने आ जाती है लेकिन आम नागरिक के लिए टैक्स की छूट ना देकर टैक्स वसूली करती है ज्यादा बढ़ाती है प्रवासी मजदूरों और अर्थव्यवस्था अर्थ संकट का, का हक मार रही है इसमें अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी सरकार को इसके लिए निवेश करना होगा जीडीपी का कुछ प्रतिशत खर्च करना होगा लेकिन वह कर इसका उल्टे ही रही है आइए सुनते हैं प्रोफेसर अतुल सूद को मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अब जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है और खास तौर से जिस तरह के कानूनों में ढील दी गई और इसके पक्ष में माहौल है कि डेवलपमेंट को वापस पटरी पे लाना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस पटरी पे लाना है इसलिए ये जो कानून है जो मजदूरों के पक्ष वाले कानून है इनकी अब जरूरत नहीं है तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ इतना भयानक वेदना मजदूरों की दिखाई दे रही है मतलब ये उनके जीवन का दिखाई दे रहा है और जो सबसे पहली मार पड़ रही है वो उनके बच्चे कुछ अधिकारों पर पड़ रही है तो ये बहुत विचित्र है कि ये जो चीज घटित हो रही है हमारे ये एक्चुअली ना बहुत समय से बातचीत चल रही है इस किस्म का विचार बहुत समय से चल रहा है और जैसे मैंने कहा ये मौके का इस्तेमाल हो रहा है देखिए अगर आप पहले भी बात करें तो हमें बात किए गए की ये इंस्पेक्टर राज है और हमें इंस्पेक्टर राज को खत्म करना है क्योंकि ये इंस्पेक्टर राज करप्शन करता है

क्योंकि 2011-12 के बाद एक चर्चा में परिवर्तन आया है जो काम पहले पीछे से किया जाता था अब सामने से करने का प्रयास चल रहा है 2012, 2012 के बाद तो जो इंस्पेक्शन रेट है वो 63% परसेंट था 86 में 2011 में 13.4 परसेंट हो गया यानी केवल 13 परसेंट के था और हमें प्रभावशाली है जो, है जो निवेश करने वाला है वो निवेश करने में डिसेंसिटिवाइज होता है उसको लगता है कि मैं मुझे मुनाफा ही नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे तो इधर पैसा देना पड़ेगा उधर पैसा देना पड़ेगा प्रदेश सरकार तेरह परसेंट की फैक्ट्री इंस्पेक्शन आपने

से इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ये फैक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि अगर आप आंकड़े देखिए आपने बात की बिल्कुल ठीक बात की मैं स्टेट्स की बात करूं तो जिन स्टेट्स ने भारत में ये हुआ कि आपने ये बात की कि नियमों का परिवर्तन किया जाए तो सेंटर के लेवल पे रेजिस्टेंस थी तो स्टेट्स में 2014 के बाद स्टेट्स में इनको लागू करना शुरू तो मैं देख रहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल डेंसिटी यानी कितना प्रतिशत वर्कर मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर ये नियम लागू होते हैं। आपको पता है in या सेल्फ एम्प्लॉयड है या कैजुअल वर्कर है यानी जो रेगुलर वेज वर्कर है जिसके कोई अधिकार है इन लॉज के तहत वो बहुत ही छोटी प्रतिशत है ये तो हमें भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं लेकिन मैं देख रहा था कि जो वो छोटा सा आ, प्रपोर्शन है ऑर्गेइज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर का उसके अंदर भी हमने एक्चुअली लेबर को कॉन्ट्रेक्चुअलाइज कर दिया उसमें भी जो लेबर के अधिकार थे वो कमजोर कर दिए इसी आधार पर किए हैं कि भाई ये जो टू मच लॉज है ये टू मच लॉज जो है, ये डिसइंसेंटिवाइज करते हैं ये लोगों निवेश का लोगों को बड़ा स्केल बढ़ाने के लिए मौका नहीं देते हैं फैक्ट्री को बड़ा नहीं करते हम नहीं। इससे आज इनफैक्ट एक, एक समीक्षक ने कहा कि ये नियम इसीलिए फ्यूचरिस्टिक है परिवर्तन क्योंकि जो पलायन है वो राज्य क्या है यूपी बिहार झारखंड छत्तीस छत्तीसगढ़ जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहां से डेवलप्ड स्टेट्स की तरफ हो रहा है डेवलप्ड स्टेट्स क्या है गुजरात है महाराष्ट्र है दिल्ली है तो अगर ये नियम हटा दिए जाएंगे तो जो ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं इनमें ही विकास की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जो विकसित प्रदेश है वहां क्या विकास हो रहा है? क्योंकि आफ्टर ऑल यूपी में क्या होगा या मध्य प्रदेश में क्या होगा तो मैंने देखा कि गुजरात में थर्टी सिक्स परसेंट लेबर ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल है फोर्टी सेवन परसेंट लेबर हरियाणा में कॉन्ट्रेक्चुअल है महाराष्ट्र में फोर्टी पॉइंट एट परसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है और पूरे भारत में पैंतीस परसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है ये मैं दो हजार दस ग्यारह के आंकड़े दे रहा हूं अगर आज ये आंकड़े देखेंगे तो ये प्रतिशत और बढ़ चुकी है जो पी एल एफ एस का दो हजार सत्रह अठारह का सर्वे हुआ उसने कहा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो रे, 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 रेगुलर सैलरीड वेज वर्कर हैं यानी जो नियमों के अनुबंधन के अंदर आते हैं उसमें बिना जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लोग बिना हेल्थ राइट्स के लोग वो सारे लोग की प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ रही है मैं कहना यह चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का 80 से तिरानवे परसेंट जो आप एस्टीमेट पसंद करें इनफॉर्मल वर्कर है और जो फॉर्मल वर्कर है वो भी इनफॉर्मलाइज हो रहा है तो जो वर्कर है वो इन नियमों के होते हुए भी भी इतनी गंभीर परिस्थिति में में है जिसका हमने स्वरूप देखा कोविड के समय में कि उसके पास दो दिन जिंदा रहने के लिए अपनी कोई भी पैसा नहीं था जी और जी वो जी नियम अब हमें बताया जा रहा है कि आड़े आ रहे हैं लेबर की बेहतरी के लिए इसलिए लेबर की बेहतरी तभी होगी अगर ये नियम को डायल्यूट कर दिया जाएगा तो जहां इन्वेस्टर जा रहा था वहां लेबर के नियमों की धज्जियां उड़ी हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी किस्म से भी निवेश की संभावनाओं को कमजोर किया है लेबर लॉस ने अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा इनफॉर्मल इंप्लॉयमेंट क्यों होता या मैं ये क्यों कह सकता था कि जैसे गुजरात में एट्टी एट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग है उसमें वर्कर है जिसका कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है वो चौहत्तर पॉइंट आठ परसेंट है महाराष्ट्र में यही नंबर पचपन परसेंट के आसपास है और पूरे भारत में ये सत्ताईस सेवन परसेंट और पचपन परसेंट के आसपास है तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भारत में तो लेबर लॉ पहले ही लागू नहीं था न्यूज क्लिक की डेली में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर देखते रहिए न्यूज क्लिक धन्यवाद